साल 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि की पहल को आगे बढ़ाते हुए उत्तरकाशी पुलिस और राजस्व की टीम को बड़ी सफलता मिली है। उत्तरकाशी के धरासु क्षेत्र में पुलिस और राजस्व की टीम ने करीब 133 नाली भूभाग पर अफीम की खेती को नष्ट किया है। इसके साथ ही 12 भूस्वामियों के विरुद्ध केस भी दर्ज किया गया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी के नेतृत्व में जिले में उदयन मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इस मुहिम के अंतर्गत पुलिस एक ओर जहां नशे के अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर नशे के आदि हो चुके युवकों की काउंसलिंग कर उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये ड्रग फ्री मिशन 2025 और जो उत्तरकाशी पुलिस की उदयन मुहिम है उसके तहत जो है हमने 2.65 हेक्टेयर जो कि करीब 133 नाली भूभाग पर पैदा की गई प्रतिबंधित अफीम और पोस्त की खेती को नष्ट किया गया है। और ये पुलिस की टीम और राजस्व की टीम का संयुक्त ऑपरेशन था ये। और ये जो की गई है, हमने विनिष्टीकरण की कार्रवाई, ये चौकी बंचोरा जो धाना धरासू के अंतर्गत आती है और उसमें एक गांव आता है गढ़गुलिया व भोतान नामक तोप, यहाँ पे छापेमारी की कार्रवाई की गई है और इतनी अफीम जो है नष्ट की गई है। जब इस पता किया गया कि इसके भूस्वामी कौन है, तो इसमें पता चला कि हमको 12 लोग हैं जो 12 भूस्वामी हैं, उनके विरुद्ध जो है NDPS की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।